भगवान बुद्ध की चार प्रेरक कहानियाँ। पहला, बुद्ध और चक्षुपाल। एक बार भगवान बुद्ध तेजवान बिहार में रह रहे थे। भिक्षु चक्षुपाल भगवान से मिलने के लिए आए थे। उनके आगमन के साथ उनकी दिनचर्या, व्यवहार और गुणों की चर्चा भी हुई। भिक्षु चक्षुपाल अंधे थे। एक दिन बिहार के कुछ भिक्षुओं ने कुछ मरे हुए कीड़ों को चक्षुपाल की कुटी के बाहर पाया और उन्होंने चक्षुपाल की निंदा करने शुरू कर दी कि उन्होंने इन जीवित प्राणियों की हत्या की है। भगवान बुद्ध ने निंदा कर रहे उन भिक्षुओं को बुलाया और पूछा कि क्या तुमने भिक्षु को कीड़े मारते हुए देखा है? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। इस पर भगवान बुद्ध ने उन साधकों से कहा कि मैं जैसे तुमने उन्हें कीड़ों को मारते हुए नहीं देखा, वैसे ही चक्षुपाल ने भी उन्हें मरते हुए नहीं देखा और उन्होंने कीड़ों को जानबूझकर नहीं मारा है, इसलिए उनकी भर्त्सना करना उचित नहीं है। भिक्षुओं ने इसके बाद पूछा कि चक्षुपाल अंधे क्यों हैं? उन्होंने इस जन्म में अथवा पिछले जन्म में क्या पाप किए? भगवान बुद्ध ने चक्षुपाल के बारे में कहा कि वे पूर्व जन्म में एक चिकित्सक थे। एक अंधी स्त्री ने उनके एक अंधी स्त्री ने उनसे वादा किया था कि यदि वे उसकी आँख ठीक कर देंगे तो वह और उसका परिवार उसके सदा दास बन जाएंगे। स्त्री की आँख ठीक हो गई, पर उसने दासी बनने के भय से यह मानने के इनकार कर दिया। चिकित्सक को पता था कि उस स्त्री की आँखें ठीक हो गई है, वह झूठ बोल रही है। उसे सबक सिखाने के लिए या बदला लेने के लिए चक्षुपाल ने दूसरी दवा दी। उस दवा से महिला फिर अंधी हो गई। वह कितना भी रोई पीटी लेकिन चक्षुपाल जरा भी नहीं पसीजा। इस पाप के फलस्वरूप अगले जन्म में चिकित्सक को अंधा बनना पड़ा। दूसरा, परिश्रम और धर्म। एक बार भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। उस गांव से पूर्व ही मार्ग में उन लोगों को जगह जगह बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए मिले। बुद्ध के एक शिष्य ने उन गड्ढों को देखकर जिज्ञासा प्रकट की, आखिर इस तरह गड्ढे को खुदे होने का तात्पर्य क्या है? भगवान बोले, पानी की तलाश में किसी व्यक्ति ने इतने गड्ढे खोदे हैं। यदि वह धैर्यपूर्वक एक ही स्थान पर गड्ढे खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता, पर वह थोड़ी देर गड्ढा खोदता और पानी न मिलने पर दूसरी गड्ढा खोदना शुरू कर देता। व्यक्ति को परिश्रम करने के साथ धैर्य भी रखना चाहिए। तीसरा, अमृत की खेती। एक बार भगवान बुद्ध भिक्षा के लिए एक किसान के यहाँ पहुँचे। तथागत को भिक्षा के लिए आया देखकर किसान उपेक्षा से बोला, श्रमण, मैं हल जोतता हूँ और तब खाता हूँ, तुम्हें भी हल जोतना और बीज बोना चाहिए और तब खाना खाना चाहिए। बुद्ध ने कहा, महाराज, मैं भी खेती करता हूँ। इस पर किसान को जिज्ञासा हुई और वह बोला, मैंने तो तुम्हारे पास हल देखता हूँ और ना बैल और ना ही खेती का स्थल, तब आप कैसे कहते हैं कि आप भी खेती करते हो? आप कृपया अपनी खेती के संबंध में समझाएं। बुद्ध ने कहा, महाराज, मेरे पास श्रद्धा का बीज, तपस्या रूपी वर्षा और प्रजा रूपी जोत और हल है। पाप भीरुता का दंड है, विचार रूपी रस्सी है, स्मृति और जागरूकता रूपी
हल की फाल और पेनी है। मैं वचन और कर्म से संयत रहता हूँ। मैं अपनी इस खेती को बेकार घास से मुक्त रखता हूँ और आनंद की फसल काट लेने तक प्रयत्नशील रखने वाला हूँ। अप्रमाद मेरा बैल है, जो बाधाएं देखकर भी पीछे मुंह नहीं मोड़ता है। वह मुझे सीधा शांति धाम तक ले जाता है। इस प्रकार मैं अमृत की खेती करता हूँ। चौथा, दान की महिमा। भगवान बुद्ध का जब पाटलिपुत्र में शुभागमन होता तो हर व्यक्ति अपनी अपनी सांपत्ति स्थिति के अनुसार उन्हें उपहार देने की योजना बनाने लगा। राजा विभीषण ने भी कीमती हीरे, मोती और रत्न उन्हें पेश किए। बुद्ध देव ने सबको एक हाथ से संहर्ष स्वीकार किया। इसके बाद मंत्रियों, सेठों, साहूकारों ने अपने अपने उपहार उन्हें अर्पित किए और बुद्ध देव ने उन सबको एक हाथ से स्वीकार कर लिया। इतने में एक बुढ़िया लाठी टेकते वहां आई। बुद्ध देव को प्रणाम कर वह बोली, भगवान, जिस समय आपके आने का समाचार मुझे मिला उस समय मैं यह अनार खा रही थी। मेरे पास कोई दूसरी चीज न होने के कारण मैं इस अथखाए फल को ही ले आई हूँ। यदि आप मेरी इस तुच्छ भेंट स्वीकार करें तो मैं अवभाग्य समझूंगी। भगवान बुद्ध ने दोनों हाथ सामने कर वह फल ग्रहण किया। राजा विभीषण ने जब यह देखा तो उन्होंने बुद्ध देव से कहा, भगवान क्षमा करें, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। हम सबने आपको कीमती और बड़े बड़े उपहार दिए हैं जिन्हें आपने एक हाथ से ग्रहण किया है, लेकिन इस बुढ़िया द्वारा दिए गए छोटे जूठे फल को आपने दोनों हाथों से ग्रहण किया है, ऐसा क्यों? यह सुन बुद्धदेव मुस्कुराए और बोले, राजन, आप सबने अवश्य बहुमूल्य उपहार दिए हैं, किंतु यह अपनी संपत्ति का दसवां हिस्सा भी नहीं है। आपने यह दान दिनों और गरीबों की भलाई के लिए नहीं किया है, इसलिए आपका यह दान सात्विक दान की श्रेणी में नहीं आ सकता है। इसके विपरीत यह बुढ़िया ने अपने मुंह का कौर ही मुझे दे डाला है। भले यह बुढ़िया निर्धन है, लेकिन इसे संपत्ति की कोई लालसा नहीं है। यही कारण है कि इसका दान मुझे खुले हृदय से दोनों हाथों से स्वीकार किया। तो दोस्तों, भगवान बुद्ध देव का ये चार प्रेरक कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जय बुद्ध देव जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है ना? और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे मोटिवेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।